अब स्कोर का भी मैं नहीं बता सकता, लेकिन बता दूंगा फिर मुद्दा होगा। एक बार फिर एक बार फिर अंपायर को क्रॉस करते हुए विकेट के पीछे अपील जरूर हुई थी, लेकिन अंपायर पर उसका कोई असर नहीं। अगली बॉल के लिए तैयार गेंदबाज अपने रनअप पे जाते हुए और सामने बल्लेबाज सुभाष, देखते हैं इस पर किस प्रकार से प्रहार कर पाते हैं। और इस बार क्लियर आउट, आउट दे दिया गया वहां पर, विकेट के पीछे लपक लिए गए, किनारा लिया और पवेलियन में वापिस डग आउट में जाते हुए। बहुत ही खूबसूरत विकेट यहाँ पर, पहली बॉल पर अपील जरूर हुई थी इससे पहले वाले डिलीवरी पे, लेकिन वहाँ पर बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ था, लेकिन इस बार किनारा चूमती हुई विकेट कीपर के ग्लोव्स में गई बॉल और विकेट का पतन। अंपायर के बगल से एक बार फिर से गेंदबाज तैयार हैं और सामने हैं नए बल्लेबाज जो अभी पवेलियन छोर से आए हैं, देखते किस प्रकार सामना कर पाते हैं। धीरे से उसको पुश किया है रन लेने का प्रयास, लेकिन चौकन ने फील्डर हमारे ही बगल में, कोई रन लेने का मौका वहां पर है नहीं। राजीव गांधी क्रिकेट प्रतियोगिता का एक क्रिकेट का मैच, तो आपको थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं, यहां पर बाउंड्री जो सीमा रेखा होती है उसको भी छोटा कर दिया गया है, घटाकर, जो मैं अभी जो से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ उससे मेरे से पीछे मात्र बाउंड्री 25 से 30 मीटर है पिच से, पिच के सेंटर से जहाँ बात करें और 25 से 30 मीटर है वहाँ से, और ज़्यादा बड़ी पिच है नहीं। मैं जहाँ से आपको कवर दिखा रहा हूँ उसके पीछे 5 मीटर पीछे ये सीमा रेखा है, और इसमें एक नियम ये भी है कि अगर बॉल सीधी बाउंड्री रेखा के बाहर जाती है तो बल्लेबाज को आउट करार दिया जाएगा, ये नए नियम है। 30 के दायरे का यहाँ पर कोई रूल है नहीं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, कोई मार्किंग है नहीं, और जो पिच की लंबाई है जो आमतौर पे लंबाई होती है उससे घटाकर उसको कम कर दिया गया है। इस बार फील्ड थ्रो वहां पर है लेकिन चूक गए, विकेट कीपर के पास गेंद सही कलेक्ट हुई नहीं, बैकअप करने वाले खिलाड़ी ने गेंद को पकड़ा, तब तक एक रन पूरा कर लिया दोनों है बल्लेबाजों दौड़कर। स्कोर की हम बात करें तो स्कोर शीट है वो थोड़ी सी दूर है और हम आपको कवरेज है वो बिल्कुल मैदान के बीच से दिखा रहे हैं, इसके लिए स्कोर पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस समय जो मैच हो रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर ये खिलाड़ी जो खेलते हैं एक बड़े ग्राउंड में 75 मीटर की बाउंड्री में आ खेलते हैं, आप लंबी दूरी पर देख रहे होंगे, इस बार रन आउट के चांस है लेकिन नहीं, क्रीज में सुरक्षित वापिस हैं बल्लेबाज। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि आमतौर पर 75 मीटर की बाउंड्री पर खेलने वाले खिलाड़ी हैं और यहां पर जो छोटी बाउंड्री है तो यहां पर कुछ झिझक और हिचकिचाहट जरूर है, इसलिए खेलने में नाकाम रहे हैं, उतना स्कोर हुआ नहीं है। 12 ओवर का ये मैच है, 12 ओवर में उतना स्कोर पहुंचा नहीं, इसके पीछे कारण ये रहा कि इनकी जो खेल जो था पहले वो 75 मीटर बाउंड्री का था और यहाँ पर 6 रन लगाते ही आउट हो जाते हैं। एक रन लेने का प्रयास फील्डर के पात्र है और वहां पर बिखेर दिए गए, अंपायर का सर आउट, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एक और विकेट जाता हुआ। ये देखो ऐसे विवादित खिलाड़ी भी इस मैदान में है जो कैमरे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, हमारे पास सिक्योरिटी है, मैं कैमरे के पीछे लास्ट विकेट है।
शायद यहाँ से कुछ आवाजें आ रही हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ से खिलाड़ी, क्योंकि लास्ट विकेट लास्ट जोड़ी मैदान पर है। और एक बार मैं थोड़ा दर से दिखा देता हूँ मैदान का आपको, जो बाउंड्री रेखा है वो देखो मेरे पीछे ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर है, मतलब ये यहाँ से सीधा बाहर गेंद जाएगी तो आउट होंगे। और ये इतनी दूरी पर अभी जो है यहाँ पे शॉट खेल सकते हैं। ये मैदान का पूरा दृश्य है, अभी फिर से मैच शुरू होना है क्योंकि यहाँ पर ना लास्ट जोड़ी मैदान पर है। मैं आपको घूम फिर के अभी दिखाऊंगा क्योंकि छोटा मैदान है, कवर करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं आपको घूम फिर के छोटे से मैदान में दिखा देता हूँ। ये थर्ड मैन है, गली में एक खिलाड़ी मौजूद है, विकेट कीपर बिल्कुल चुस्त, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है, अपील हल्की सी हुई लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल के साथ ओवर की शुरुआत। नए बल्लेबाज आए हैं, किस प्रकार से शॉट खेलते हैं हम आपको पूरा लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। और क्रिस बॉल्ड कर दिया वहां पर, बहुत ही खूबसूरत बॉल आगे खिलाया, क्योंकि आमतौर पर ये खिलाड़ी मैदान में खेलते नहीं है क्रिकेट, यहाँ पर जो बल्लेबाज आए थे। और यहाँ पर पारी समाप्त हो गई, स्कोरर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने ओवर उन्होंने खेले और कितने रन बनाए। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ में स्कोरर हैं, तो हम इससे स्कोर जानने की कोशिश करेंगे। अध्यापक गण यहाँ पर मौजूद है, स्कोर कितना हुआ वो एक बार टोटल कर लेते हैं, उसके बाद हम बातचीत करेंगे उनसे कितने रन चाहिए सामने वाली टीम को। सामने वाली टीम है वो फील्डिंग में आ चुकी है मैदान में, देखो आपको दिखा रहा हूँ मैं, और बल्लेबाजी टीम अभी अपनी तैयारियाँ कर रही है। जैसे ही स्कोर फ्री हो जाते हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। गुरु जी कितना स्कोर हुआ है अभी तक इस टीम का, कितने पे ढेर हो गई है? 27 पे होगी, यानी 27 रन पे ढेर हो गई, 28 रन जीतने के लिए सामने वाली टीम को, 12 ओवर में। बिल्कुल सर। कितने कितने खिलाड़ी अभी दोनों टीमों में? नौ है, पूरे 11 हुए नहीं? हाँ। या फिर कोई नियम है? नौ का नियम है, ओलंपिक में ऐसा ही किया कि भी नौ भी खिलाड़ी खेलेंगे। तो गुरु जी ये पिच का लंबाई कितना होगा आपके आईडिया से कुछ मालूम है? या क्योंकि पहले जो पिच थी उससे घटा दिया गया, इसको कम कर दिया गया है ना, पहले 22 होता था। हाँ, इसका थोड़ा घटा दिया गया पिच का लंबाई, मैं आपको दिखा दूं। और मैदान भी बहुत छोटा कर दिया, जो 30 गज का दायरा आमतौर पर हमारी जो क्रिकेट होती है गांव में, वो 30 गज का दायरा है, उसको शायद बाउंड्री बनाया गया यहाँ पर, भाई थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, उससे ज्यादा है नहीं ये पिच, ये ग्राउंड है। तो सामने वाली टीम को 28 रन चाहिए, उनसे बातचीत करते हैं सामने वाले लड़के कितने ओवर में ये लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। और 12 ओवर उनके पास में है। नमस्कार नमस्कार, आप पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं? ना नहीं जा रहे, तो फिर आपसे बात करने कोई मतलब नहीं, साइड हटिए। जो पारी की शुरुआत करने जा रहा है वो बल्लेबाज मेरे को 2 मिनट देगा। पारी की शुरुआत करने आप जा रहे हैं? कितने रन चाहिए आपको? 28 रन चाहिए जीतने के लिए। कितने ओवर बना लोगे? बहुत छोटा सा लक्ष्य है। अरे बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज हैं यहाँ पर, बड़ा छोटा सा लक्ष्य है, 5 ओवर का खेल है। बहुत ही, आपने जो लास्ट में एक बोल्ड किया बहुत ही शानदार, आपको आपके सामने जो गेंदबाज था बल्लेबाज था, आपने पहले उसको छोटी बॉल खिलाई, उसने उसको रोकने का प्रयास किया, फिर आपने क्या सोचा कि उसको पूरी बॉल खिला दी, एकदम डायरेक्ट आगे खिलाया, या शॉट लेगा या बोल्ड होगा। हाँ, ये होती है मतलब सोच, इन्होंने पहले छोटी बॉल डाली, उसने डिफेंड करने का प्रयास किया, सामने फिर पूरा खिलाया और कनीर बोल्ड हो गए। ये भैरू सिंह जी, आप बल्लेबाजी टीम में भी? हाँ। 28 रन चाहिए? हाँ, क्या उम्मीद है आपको कितने ओवर में बना लेंगे? जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, 5 ओवर में जीत जाएंगे। क्योंकि आप जिस तरह से आमतौर पर शॉट लगाते हो, तो आप 75 मीटर की बाउंड्री में छक्के मारते हो, यहाँ पर छक्का मारना नहीं, आपको मालूम है? हाँ, बिल्कुल मालूम है। आउट हो जाओगे छक्के मारते ही। सामने टीम भी अच्छी थी, जिसमें अच्छे बल्लेबाज थे सामने टीम में, फिर भी वो 27 रन बना सके। हाँ, बॉलिंग अच्छी थी आपकी। चलो मैच दिखाते हैं, यहाँ से ही कवर करते हैं, अभी सामने से स्कोर के पास जाके कवर करते हैं, वहां से आपको स्कोर में बता रहा हूँ बॉल टू बॉल। आप हैं कोई टीम में? नहीं, कबड्डी की लड़ी, तो आपको तो ओपनर नहीं भेजा गया, आप तो यहाँ पर आमतौर पे जिद करके ओपनिंग ले लेते हो बच्चों के साथ में, यहाँ पर आपको ओपनिंग क्यों नहीं दी गई? कोई कमी है आपकी बल्लेबाजी में, कहीं ना कहीं खामी रही है।
नहीं वो आप बच्चों पे अपनी बातें चलाते हैं। हम कप्तान है तो हम अपने हिसाब से भेजते हैं, अगर हम जाएंगे तो लोग कहेंगे आप मनमानी करते। तो कैमरा मत पकड़िए, कैमरा हम ऐसा करते हैं कि हम मीडिया वाले को पहले तो बढ़ने नहीं देते हम ग्राउंड में। अच्छा, किससे पूछ के आए आप? मेरे को परमिशन की जरूरत नहीं है, फेसबुक ने मुझे लाइव का ऑप्शन दे रखा है, मैं कहीं भी कवर कर सकता हूँ। एक बार इनसे अपनी उम्र पूछे। ये है बल्लेबाजी टीम और अब हम कवर करेंगे। स्कोरर के पास बैठ के ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे तो हमें स्कोर का भी पता रहेगा और आपको पूरा यहाँ से लाइव दिखाएंगे। बने रहिए, थोड़ी देर का गेम है, ज़्यादा देर चलने वाला है नहीं क्योंकि बहुत छोटे स्कोर पे सामने वाली टीम ढेर हो गई, ऑल आउट हुई है। बॉलर नेम बताइए। प्रीतम है जो प्रतिद्वंदी टीम की तरफ से यहाँ पर शुरुआत करेंगे और सामने हैं विनोद बल्लेबाज, सामना करेंगे पहली बॉल का। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको ताकि लोगों तक पहुँचिए। धीरे से पुश भर कर दिया है, पॉइंट का खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद है शॉट पॉइंट पे, उसने गेंद को फील्ड कर लिया, कोई रन लेने का मौका नहीं और बल्लेबाज ने भी रिस्क नहीं लेना चाहिए इस बॉल पे। एक बार फिर से अंपायर को क्रॉस करते हुए अपनी चीज प्रतिदिन आवाज में, ओ इस बार धीरे से पूछ के एक रन लेने मौका है, ले सकते हैं नहीं ले सकते, फील्डर से वहां पर मिस फील्डिंग जरूर हुई है। ऐसी छोटी छोटी मिस फील्डिंगों से आपको बचना होगा क्योंकि स्कोर आपका इतना है नहीं। इस प्रकार की अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आप शायद जल्दी सामने वाली टीम को जीत का जो परचम है वो लहराने से नहीं रोक सकते, आपको ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं इनसे बचना होगा। शायद अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा एक एक्स्ट्रा के साथ में दो रन, दो रन बन गए हैं, 28 रन टोटल चाहिए। इस बार डॉट बॉल, अच्छी वापसी डॉट बॉल के साथ, तो यहां पर 26 रन और चाहिए जीतने के लिए। 12 ओवर शेष हैं, ये पहला ओवर चालू है, इसके बाद 11 और फेंके जाने हैं। मतलब ओवर जहां बात करें बॉल की वहां को मैटर नहीं रखता, आपके पास ओवर्स बहुत हैं लेकिन रण। आदित्य साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ऐसा करीब से निकले थे बल्लेबाज लेकिन जैसे ही गली के अंदर बॉल को फील्ड किया गया और छत्तर रक्स के हाव भाव देखकर बल्लेबाज ने अपने पांव फिर क्रीज में खींच लिए क्योंकि यहां चूक नहीं होती। विकेट कीपर ऊपर जा चुका था बिल्कुल, धीरे से पूछ के आया, एक रन लेने से नौकर पकड़े, थ्रो वहां पर मौजूद है फील्डर लेकिन थ्रो नहीं कर पाया टाइम रहते हुए। एक रन बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन जीत के लिए, अभी 25 रन और चाहिए, 25 रन चाहिए जीत के लिए, ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं है, हम बार बार आपको बता रहे हैं। इस बार धीरे से पूछ के आ गया, सीमा रेखा की तरफ जा रही है और यहाँ पर सीमा रेखा के बाहर अंपायर का सारा 4 रन बहुत ही खूबसूरती के साथ क्योंकि बल्लेबाज ने भांप लिया था जो स्क्वेयर लेग है वहां पर फील्डर मौजूद नहीं था और धीरे से पुश किया और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। फील्डर था वो थोड़ा वाइड था, बिल्कुल स्क्वेयर लेग पे नहीं था, फाइन खेला था लेकिन फील्डर था वाइड था, उस विकेट कीपर खुद दौड़ के गया। लेकिन यहां पर बहुत ही रोमांचक मुकाबला, ये स्कोरर यहां पर अध्यापकगण और गांव के कुछ युवा धीरे से पुश किया है, एक रन लेने का प्रयास करेंगे लेकिन नहीं। दूसरा ओवर यहाँ पर हम भूल गए थे वो चौके, क्योंकि पहला चौका देखा था मैंने आने के बाद, मैं भूल गया था। दूसरा ओवर शुरू हो चुका है, रोहतास है और सामने राहुल, देखते हैं किस प्रकार की यहाँ पर बल्लेबाजी होती है। धीरे से पुश किया है, विकेट बाहर है, थर्ड में सॉरी क्रीज से बाहर थे, फील्डर ने वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया लेकिन विकेट कीपर विकेट पर नहीं पहुंचा, थ्रो नहीं कर पाए इसलिए क्योंकि बैकअप नहीं है और बैकअप नहीं है तो मतलब 4 रन जाने में ज्यादा हिचकिचाहट नहीं होगी। मात्र 30 मीटर की बाउंड्री है, पलक झपकते ही 4 रन चले जाएंगे, 6 रन लगाने नहीं है, सिर्फ ग्राउंडेड शॉट खेलने हैं और साइड आउट क्योंकि 6 रन हो गए वहां पर और 6 रन यहां पर राजीव गांधी ओलंपिक में मान्य नहीं है। आपको बता दूं मैं, राजीव गांधी ओलंपिक में 6 रन मान्य नहीं है, यहां पर आउट करार दिया जाएगा आपको। और यहां पर
खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार के आते हुए बल्लेबाज, इसके खुद के पैर पे कुल्हाड़ी ही समझेंगे, क्योंकि आपको पहले नियम और कानून जो कायदे हैं वो आपको बता दिए गए हैं और उसके बावजूद आप 6 रन मारने का प्रयास करेंगे, हवा में खेलने का प्रयास करेंगे, तो कोई उसके कैच के पीछे दौड़ेगा नहीं, क्योंकि वैसे ही पता है कि जैसे ही सीमा रेखा बना के रखी है व्हाइट बाउंड्री, इसके बाहर जाते ही तो अपने आप ही आउट हो जाएगा, क्योंकि आमतौर पर ये 75 मीटर की बाउंड्री से खेलते हैं, गाँव में यही क्रिकेट चलती है और यहाँ पर छक्का मारने का कोई ऐसा है था नहीं, धीरे से प्रयास किया था उसको पुश करने का हल्के हाथों से, बिल्कुल फाइन खेलने का प्रयास था लेकिन चूक गए। दूसरा ओवर जारी है, कॉमेंट्री सामने से हो रही है लेकिन वहाँ कॉमेंट्री जो हो रही है वहाँ स्कोरर नहीं है, तो वो एक बार एक रन लेने पूरा कर पाएंगे, जी बिल्कुल पूरा कर पाएंगे, पहुँच गए टाइम रहते हुए, स्कोर हम जानने की कोशिश करेंगे कितना हुआ है, 8 रन हुए, 20 रन और चाहिए बचे ओवर्स में, सिर्फ आपको धैर्य रख के ग्राउंडेड शॉट खेलने हैं, जीत आपके कदम चूमेगी, अगर आप हवा में खेलेंगे पीछे बल्लेबाज की तरह तो फिर आपको हार का दरवाज़ा देखने में भी ज़्यादा दूरी, इस बार सिंगल नहीं लेंगे क्योंकि फील्डर वहाँ पर मौजूद है एकदम चुस्त दुरुस्त और बहुत ही खूबसूरत मैच चलता हुआ, यहाँ पर आनंद लेते हुए दर्शक, और पीछे भी मैं आपको दिखा दूँ कि वहाँ पर भी दर्शक बैठे हुए हैं, दूर देख सकते हैं, मैं जूम करके तो नहीं दिखाऊँगा आपको क्योंकि जूम करके दिखाऊंगा तो फिर ये व्यवधान आता है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ दिखाऊंगा, मेरे को ये कवर करना ज़रूरी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, राजीव गांधी ओलंपिक के जो नए नियम हैं, आगे भविष्य में ऐसे गेम होते रहेंगे, हमें उम्मीद है सरकार की तरफ से, जो ग्रामीणों में छुपी प्रतिभा है, इस बार सीमा रेखा की तरफ बॉल जा रही है, पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, पकड़ लेंगे, 1 रन दौड़कर पूरा किया, बहुत ही, तो यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी प्रतियोगिता जो ग्रामीण ओलंपिक है, गांव से जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो पहले देखो प्राइवेट एकेडमी में जाके शहरों में जाके अपना इतना खर्चा नहीं कर पाते, तो वो प्रतिभाएं छुपी रहती हैं, लेकिन एक सरकार की तरफ से अच्छी पहल है कि आम आदमी, नो एज लिमिट, आम आदमी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है, अगर वो प्रतिभाशाली है, अगर उसके अंदर ये प्रतिभा छुपी हुई है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद है, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, 1 रन तोड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, तो जिसमें प्रतिभा है वो यहाँ पर अपना परचम, यहाँ पर अपना दमखम दिखा सकता है और उसको ऑप्शन मिलते हैं ऊपर, अगर सिलेक्टेड खिलाड़ियों में शामिल होता है तो ब्लॉक स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे, और उसके बाद में जो प्रोसेस इसका रहेगा शायद आने वाले भविष्य में भी ये चीज़ें, इस बार आउट होंगे और आउट करार दिए गए हैं, क्योंकि नॉन स्ट्राइक एन का जो बल्लेबाज है वो अपनी क्रीज से निकला जरूर था लेकिन वापिस क्रीज में जा टपका, इसलिए यहाँ पर एक विकेट का होना बहुत लाजमी था सामने वाली टीम को, क्योंकि अभी जिस हिसाब से स्कोर बढ़ रहा है विकेट एक ही गिरा था, ये दूसरा विकेट चाहिए था और उनको मिल भी गया, इस बार अच्छा यहाँ पर छत्तर देखने को मिला अपने को, ये सुभाष है हमारे सामने, उनके द्वारा देखने को मिला, बढ़िया कीपर ने वहाँ पर बॉल को कलेक्ट किया और तीनों विकेट उड़ा दिए, नरेंद्र हैं नए बल्लेबाज टीम की तरफ से, 2 विकेट अब तक गंवा चुकी है टीम, बहुत ही खूबसूरत मैच ये चलता हुआ, नरेंद्र धीरे से पुश किया, क्रीज के बाहर है लेकिन वापिस जाना होगा क्रीज के अंदर, क्योंकि वहां पर जो फील्डिंग हो रही है वो बहुत ही उच्च लेवल की फील्डिंग, क्योंकि पहले हम देखें तो एक वहां पर मिस्टेक हुई थी जो रोहतास है, 11 रन हुए अभी तक, रोहतास था इससे मिस फील्डिंग हुई थी, उन्होंने उससे सबक लिया है, धीरे से उसको पुश भर करने का प्रयास, गली और जो थर्ड मैन लगा रखा उसके बीच 4 रन निकालने का प्रयास किया था लेकिन वो सोच थी, एक बल्ले और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद गई विकेट कीपर के ग्लव्स में, बचा हुआ काम उन्होंने पूरा कर दिया, एक बार फिर से बल्लेबाज अंपायर के बगल से दौड़ते हुए, वहां पर फील्डिंग अच्छी, फील्डिंग बहुत ही अच्छी, पॉइंट के ऊपर जो सुभाष सिंह इसमें खड़े हैं उन्होंने बहुत ही पिछली 3-4 गेंदों से हम देख रहे हैं बहुत जबरदस्त फील्डिंग, वहां पर 3 ओवरों की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर, क्या मैं सही हूँ? सही हूँ, मैं सही हूँ, मेरी कॉमेंट्री सही है, मैं तो सही हूँ नहीं, आप मेरे चरित्र थोड़ी जानते हैं, सही है।
मेरा चरित्र थोड़ी कमेंट्री का चरित्र का पता लगता है। लेकिन उन्होंने मेरे को सर्टिफाइड दे दिया, इन्होंने मोहर दे दी है हेडमास्टर जी ने और साथ में गुरु जी ने मेरे को मोहर मार दी कि आप सही हैं, तो मेरी कमेंट्री भी सही और मैं भी सही हूँ। ये बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा बातें। रोहतास है बॉलर, तीसरा ओवर प्रोग्रेस पर, चौथा सॉरी माफी चाहूंगा, चौथा ओवर प्रगति पर है। और कहां पर मैं तो नहीं, और बहुत हैं मेरा, आपको विकेट बचा के रखने, बस खेलना है आपको 12 ओवर पूरे खेलने हैं, जीत आपकी पक्की है। अगर 12 ओवर नहीं खेल पाए तो फिर हार। और यहाँ पर अपील, अंपायर का इशारा आउट, बहुत ही शानदार यहाँ पर बल्ले का किनारा चूमती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में जा समाई गेंद और पीछे विकेट कीपर पर्वत ने बहुत ही शानदार उसको कैच, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ प्रतिद्वंदी टीम का। 11 पर तीसरा विकेट आउट, 11 पर तीसरा रन में विकेट पे। नया बल्लेबाज वीरेंद्र सिंह अभी क्रीज पर गए हैं। रोहतास हैं गेंदबाज, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, छोटी गेंद खिलाई पड़ के बाहर निकली, विकेट का नाम बताए, विकेट कीपर बदल दिया गया, अभी शायद अगला ओवर जो पहले विकेट के पर्वत थे वो अगला नेक्स्ट जो ओवर डाल लेंगे शायद, इसी हिसाब से यहाँ पर शायद इसी हिसाब से उन्होंने विकेट कीपर में तब्दीली की है, दूसरे को लगाया है शायद, अब वो ओवर डालेंगे इसलिए, क्योंकि सीधा ये नियम होता है क्रिकेट का विकेट कीपर सीधे आकर ओवर नहीं डाल सकते। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ये, हरफनोला बल्लेबाज है, आमतौर पे मैं इनको क्रिकेट खेलते देखता हूँ 75 मीटर बाउंड्री के, बहुत ही हरफनोला बल्लेबाज, क्या यहाँ पर 30 मीटर की बाउंड्री में कामयाब हो पाएंगे? सबसे बड़ा यही है कारण कि 30 मीटर की बाउंड्री में हर एक बल्लेबाज कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका जो गेम है जो परमानेंट वो गेम खेलता है उसी हिसाब से खेलने का, वो बीच बीच में भूल जाता है कि मैं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल रहा हूँ, तो यही कारण होता है कि सामने वाली टीम को मौका मिल जाता है, फायदा मिल जाता है। धीरे से पुश भर कर दिया है लेकिन बॉल वहीं पर ड्रॉप क्रीज में पैरों के बीच में फंस गई थी। रोहतास ने अभी तक देखें तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर की है, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी का यहां पर नमूना पेश किया है, आने वाले जो बल्ले गेंदबाज हैं उनको भी इनसे सीख लेनी चाहिए। उस पर कर दिया गेंद, सीधी सीमा रेखा की तरफ जा रही है, फील्डर वहां पर मौजूद है, लेने रखो भाई जी, सीमा रेखा के बाहर चार रन, बिल्कुल गेंदबाज के कदमों को चूमती हुई नीचे से और लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के फील्डर को छकाती हुई गेंद गई सीमा रेखा के बाहर चार रन। स्कोर बताइए गुरु जी, 15 रन हुए हैं अभी तक, 28 चाहिए, 13 रन और चाहिए जीत के लिए, विकेट बहुत है, इस बार आउट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वहां पर फील्डर मौजूद है लेकिन दूसरे रन की दौड़ रहे हैं, वहां पर नहीं दौड़ना चाहेंगे दूसरे रन के लिए, सिंगल मिला फील्डर मौजूद था। ये छोटे छोटे रन है, ये सिंगल रन है आपको बचाने होंगे, 30 मीटर की जो बाउंड्री है उसके अंदर जो आप सिंगल रन दे दोगे तो ये सिंगल रन आपको कहीं ना कहीं हावी पड़ने वाले हैं। अब 12 रन चाहिए जीतने के लिए, ओवर की कोई यहां पर दिक्कत है नहीं, बहुत बाकी है। अंपायर का इशारा, दोनों भाई हवा में फड़फड़ाते हुए, वाइड का इशारा, एक रन जाएगा। अंपायर की अच्छी खासी कसरत यहां पर करवा रहे हैं, कोई चार रन मारकर कोई वाइड डालकर, तो 17 रन बढ़ता हुआ स्कोर, शायद एक छक्का दिखाएंगे इसमें हमें नरेंद्र जी, बाहर उम्मीद है आपसे। नहीं नहीं, मारने का प्रयास किया था नरेंद्र सिंह पे, मैं कुछ कहना चाहूंगा, ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, 17 रन हो गया, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने से जो आग है वो निकलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, बस ये तस्वीर बदलनी चाहिए, बस ये तस्वीर बदलनी चाहिए, तो ये नरेंद्र सिंह के लिए था। नरेंद्र सिंह तस्वीर बदलो, छक्का मारो, मैच जीतो, यही चाहत प्रतिद्वंदी टीम कर रही है कि छक्का मारे वो, मैं नहीं कर रहा, मैं तो आपका मनोरंजन करा रहा हूँ और मनोरंजन कराना मेरा काम है, भी चटक पटक वाली कॉमेंट्री मैं आपको दूंगा तो आप देखेंगे, और आपको मैं वैसी उदासीनता से भरे यहाँ पर बैठा रहूँगा, वैसे भी तो लोग बैठे हुए हैं तो फिर कोई फायदा है नहीं। यहाँ पर गाँव के बड़े सीनियर लोग भी हैं, महादेव सिंह जी पधारे हैं, मैच का लुप्त उठाने के लिए आए हैं, मैच को लुप्त उठाना होगे, मजो मजो लेना, मैच देखना आयो, हौसला अफजाई करने टाबरांगो।
किरण नया उठा रंगो। हाँ गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, चार रन बहुत ही खूबसूरती के साथ वीरेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ, चार रन जीत गई। अच्छी पारी अभी, हाँ इस पारी का ये तीसरा चौका है, बात करें तो तीसरी बाउंड्री है ये, तीन 12 रन तो सिर्फ बाउंड्रियों से आए हैं, बदलना होगा लाइन लेंथ, आपको चेंज करनी होगी, विकेट लेना होगा अगर आपको जीतना है तो, विकेट जरूरी है। इस बार धीरे से पुश वर कर दिया है, आउट करने का प्रयास वहां पर करेंगे लेकिन नहीं, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, एक बार फिर से चार रन, ओवर थ्रो का चार रन गया यहाँ पर। अब ये नियम ओवर थ्रो का है कि नहीं है देखना होगा, आउट हो गया, आउट को नहीं, चार रन गया, तो ये पूछने गए नियम क्या है, क्यों सिंगल रन दौड़ के उन्होंने पूरा कर लिया था, पांच मिनट को गेम है, पांच जुड़ेंगे, सिंगल रन दौड़ के पूरा कर लिया था, ओवर थ्रो का चार रन उनको मिला था, तो यहाँ पर अभी मैं ये लास्ट है तो मतलब औपचारिकता है, बाकी कितने रन चाहिए गुरुजी, कितने बन गए, काट लो तो अभी स्कोर हमें बता देंगे, तब तक के लिए बोल देखो, अच्छी बॉल अच्छी गेंदबाजी, 26 हो गए, मात्र 2 रन चाहिए जीतने के लिए, और ओवर बहुत बाकी हैं, ओवर की कोई कमी नहीं है, धैर्य रखना होगा, जैसा हमने पहले बताया कि आपको ना क्रीज पे रुके रहना होगा, देखते हैं 2 रन इस बॉल में बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं। पर्वत एक बार फिर से अंपायर की बल से धीरे से पुश ओवर कर दिया, और इस बार आउट हो गए, क्लियर आउट, नरेंद्र क्रीज से बाहर पाए गए, और लक्ष्मण रेखा जो खींच के रखी उससे बाहर थे, और लक्ष्मण रेखा जाओ आपको आउट करार दिया जाएगा। नरेंद्र जी आपने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन जीत आपकी दहलीज पे खड़ी है, देखते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी होती है, अभी 2 रन चाहिए मात्र जीतने के लिए, वीरेंद्र हैं सामने, ओ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छा बैकअप, अच्छी वापसी, जहां पर हम बात करें पर्वत की, इन्होंने जो ओवर थ्रो के रन दिए थे वो शायद गलत हो गए, वो उस पर इनको चिंतन करना होगा, हमारे साथ खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने के हम प्रयास करेंगे, नजदीक है हमारे, ओहो हवा में है गेंद, फील्डर नीचे मौजूद लेकिन नहीं ले पाएंगे, ये कैच नहीं छूटना चाहिए था यहाँ पर, बहुत बढ़िया कैच नहीं छूटना चाहिए था आपसे, लेग बाय का रन आना चाहिए, एंपायर रवि कुलरिया जी से मेरा निवेदन है कि ये रन बैट से है, लेग बाय एंपायर जी का इशारा है, लेग बाय का है, बल्ले को नहीं लगी थी, इस एक रन की सहायता से कहाँ है आप इसमें, आप मतलब जिस तरीके से आपकी टीम ने बल्लेबाजी की, एक स्कोर कम रहा या फिर आपका क्या कहना है कि फील्डिंग में आप कहीं ना कहीं चूक गए, मिस फील्डिंग में स्कोर कम नहीं रहा आपका, आपके इरादे से, हाँ 40 रन प्लस ये स्कोर होना चाहिए था, बन सकता था मैच, बन सकता था 40 रन होते तो, हाँ बातचीत करने प्रयास करेंगे हम उनसे एक बॉल के बाद में, ओहो इस बार अच्छी अच्छी गेंदबाजी, तो मतलब आपका कहना है कि 40 और 50 रन के बीच में होते तो आप मैच में वापसी कर सकते थे, मैच बना सकते थे, बहुत बड़ी बात, मैच बना सकते थे, 40 और 50 रन होते तो मैच बन सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं स्कोर कम रहा है इनका, जिसका रोना पीटा रोना ये रो रहे हैं अभी, ये रोना रोना नहीं होगा आपको, क्योंकि आपके हाथ में बल्ला था, हवा में है गेंद, जाएगी सीमा रेखा के बाहर, चार रन, और इसी के साथ जीत का परचम लहरा दिया प्रतिनिधि टीम ने। अब ये विकेट वाला सिस्टम है कि नहीं है इसमें देखना होगा, क्योंकि अध्यापक खुद देखे विकेट पड़ने के लिए वो दिखड़े, तो विजेता टीम यहाँ पर कितने विकेटों से जीती है गुरुजी, 6 विकेट से, चार विकेट से जीती है, क्योंकि 9 खिलाड़ी इसमें हैं, जीतने वाले कैप्टन से हम बात, पहले हारने वाले कौन है वो आए हमारे सामने, उनसे हम बातचीत करेंगे कि कहाँ कमी रह गई थी इस मैच में, आप क्यों नहीं पकड़ कर पाए मैच पे, एक बार भी ऐसा नहीं, एक बार शुरू में ऐसा लगा जहाँ पर विकेट गिरे तो हमें लगा कि वहाँ पर आप पकड़ कर रहे हो, लेकिन फिर क्या कारण रहे कि आप इतनी जल्दी हार गए, अभी रवि चौहान कहाँ है, आओ आओ आपसे बात करेंगे, अभी हार और जीत पे साइन हो रहे हैं,
तो इसके बाद इनका प्रोसेस पूरा हो जाता है, उनसे बातचीत हम करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है। हमारी हार का कारण ये लचर बॉलिंग। लचर बॉलिंग, तो बॉलिंग तो लचर थी, तो वो कप्तान कहाँ था, कप्तान कहाँ सोया था उस समय, कप्तान किस नींद में, किस कुंभकर्ण की नींद में सोया था कि आपकी लचर बॉलिंग थी और आपने तब्दीलियां नहीं की। तो ये बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे उनसे, देखते हैं कितनी देर में वो फ्री होते। आजा मैं देखो पीछे तेरे पास एक कैच था हवा में, कैच लिया क्यों नहीं आपने, हेड पे लग के गेंद ऊंची उठी थी और, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए था, हो सकता था प्रयास, रन ही दो चाह रहे थे तो 28 रन चाहिए थे जीत के लिए, 28 चाह रहे थे, फुल टॉस बॉल पे चौके गए, अगर शॉर्ट पिच गेंद होती तो रन नहीं बनते। अच्छा, कहीं ना कहीं गेंदबाजी में कमी निकाल रहे हैं, गेंदबाज कौन है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। और ये अंपायर हैं इस समय दिख रहे हैं सामने, ये एक अंपायर ये हैं, एक वो गुरुजी सामने वो अंपायर थे, ये जीतने वाली टीम के कप्तान हैं। पहले हारने वाले से हम बातचीत करेंगे, जीत वाले को हम परसों में मैदान में जाएंगे, वहाँ बातचीत करेंगे। हार पे साइन कर दिया आपने, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ आपसे दो मिनट मेरे को पूछताछ करनी है। ये मैं देखो इनको ले आया हूँ, इनसे बातचीत मैदान में ले जाया करूंगा। तो हेलो नरेंद्र जी, उड़ाओ बातचीत करो मेरे से, बातचीत करो भाई, मैं दोनों टीमों के कप्तानों से बातचीत करना चाहता हूँ। फोटो तो मैं खींच दूंगा, सवाल पूछूंगा तो खींच दूंगा मैं तेरी, देखेगा। अरे आ रहे ना पहले अपराधी, ये इन्होंने जीत का परचम लहराया है नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि सामने वाली टीम जो एक 28-27 रन पे सिमट गई थी, कहीं ना कहीं जीत का कारण आपका वो रहा या फिर आपकी कसी हुई गेंदबाजी या कसी हुई बल्लेबाजी रही? अच्छा, आप इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे बढ़िया कौन खेला? आपको क्या लगता है कि कहीं आपका स्कोर तो कम नहीं रह गया या फिर आपकी जो फील्डिंग थी वहाँ आपको कुछ लग रहा नजर आ रहा है? मेरे को लग रहा था कि हमारा स्कोर कम रह गया था। कितना स्कोर होना चाहिए था आपके हिसाब से? 60 रन होने चाहिए थे 12 ओवर में और आप 26 पे 27 पे सिमट गए, तो कौन बल्लेबाज था जिसने गलत खेला आज? बल्लेबाज तो ने गलत खेला था। अच्छा, हार गए थे। अभी मैं बुजुर्गों का मैच है वो आपको दिखाऊंगा, इसके बाद जो बुजुर्गों का मैच चलेगा वो दिखाऊंगा। ये फिनिश करता हूँ यहीं पर, इसके बाद नई की सीरीज स्टार्ट करूंगा और एक बड़ा मैच होने वाला है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, किस किस का मैच है? घोड़ा राम जी और महादेव जी के बीच में एक एक ओवर का मैच है जी, मैं इसी में दिखाऊंगा आपको। एक एक ओवर का मैच है, बड़े सीनियर सिटीजन का मैच है ना, यही कहना सरपंच साहब आपका। कौन कौन है इसमें क्षेत्र रक्षक, कौन रहेंगे, फील्डिंग कौन करेगा? ग्राम चुबकिया के कुड़ा राम जी कुलरिया बैट्समैन होंगे और महादेव सिंह ग्राम चैनपुरा के बॉलर होंगे और कॉमन जो वरिष्ठ नागरिकों के वो फील्डिंग होगी, कॉमन फील्डिंग है, कॉमन फील्डिंग है, सभी की कॉमन फील्डिंग है। एक ओवर का मैच है, एक ओवर का मैच है। ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपको, ये बहुत ही बड़ी सोच है या दपक गणों की मान लो या फिर गाँव की मान लो। यहाँ पर महादेव सिंह जी है वो ओवर डालेंगे, भाग के डालेंगे या स्पिन करेंगे। हाँ, और सामने है चुबकिया ताल के कुरडा राम जी, पहले बल्लेबाजी पक्ष से बातचीत करेंगे। क्या लगता है महादेव सिंह को हरा पाएंगे आप? महादेव सिंह हरा देगा? अरे कोशिश जरूर करेंगे। हाँ कोशिश जरूर करियो, वोट टाली जू, कोशिश करनी जरूरी है, बात करा महादेव सिंह साल के हरा देगा शायद, ये पक्के है, मैं हरा देगा, ट्राई जरूर करांगा। ये देखो देखो, डॉट बॉल, डॉट बॉल, एक एक ओवर का मैच ये बुजुर्गों का। कोई इनाम भी रखियो गे, इनाम है कोई? तो थे देख सको, मैं आपको हिंदी में बताने का प्रयास करूंगा एक बार फिर से। ओवर द विकेट, लेकिन इस बार वाइड बॉल जाएगी। ओवर द विकेट, प्रयास जरूर किया था, प्रयास कहीं ना कहीं शोएब अख्तर को पीछे छोड़ने का है।
कहीं ना कहीं प्रयास ये है कि शोएब अख्तर का जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड क्रिकेट में उसको तोड़ने का प्रयास यहाँ पर है। पूरा रनअप के साथ यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है, आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं शोएब अख्तर के रिकॉर्ड को ध्वस्त करने का प्रयास यहाँ पर, देख रहे आप कदम कितने तेज तेज चल रहे हैं। और ओवर द विकेट एक बार फिर से, इस बार स्टिक निशाने पर लेकिन नहीं, बिल्कुल वाइड बॉल होगी। एक बार फिर से प्रयास, इस बार अलग तरीके से बॉल डालने का प्रयास, जिसे आप वो गुच्ची डंडा खेला, गुच्ची डंडा तो निशाना बांध के प्रयास कर रहे हो। ओ दूसरी बॉल और पीछे जा रही। बहुत ही रोमांचक, नहीं दो बॉल हुई अभी तक, छह बॉल फेंकनी जरूरी है। एक एक और पूरा कराओ, एक और पूरा करो। अब मुथिया मुरलीधरन बने, स्पिन बॉल डालेंगे। अब मुथिया मुरलीधरन बने, पहले अख्तर थे, प्रयास था उनका, अब फिर की गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे। शायद बॉल को घुमाने का प्रयास होगा वहां पर। यह बॉल सही है, ना ना एक बॉल दो बॉल और फेंको। यह बॉल सही है, ओ कौन लागियो कौन लागियो। एक बार फिर से, और यह बॉल सही पाओगी, आउट, आउट कर दिया भाई, आउट है। तो कुरड़ा राम जानी पवेलियन डग आउट वापिस जाएंगे, उनको कॉटन बिहाइंड कर दिया गया है, विकेट के पीछे लपकवा लिया गया। देखते हैं, तेज गेंदबाजी करते हैं, स्पिन पर भरोसा रखते हैं, शायद घुमाने का प्रयास होगा यहाँ पर। अरे पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा, साइड में, साइड में, साइड में, साइड में। चौको मारो, आगू फेंको, थोड़ी आगू फेंको, थोड़ा आगू फेंको। मास्टर साहब थोड़ा सा साइड में हो, ये आउट ना तो भी जीतेगा, ये आउट हो गया। क्या भगा दी, तीन बॉल भगा दी। बहुत डेढ़ का त्यौहार है, कबड्डी खेल लो, बताए कुश्ती कर लो, सगो आदमी कौन थी। एक बॉल और बच रही है, जीत हार को मुकाबला मेरे पट्टो हुई भी। मैं और खेलेगा, भाई बहुत तब ब्राह्मण करे।